हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल विस्कीपीडिया पे। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों, हमने इस महीने काफी महंगी महंगी स्कॉच विस्कीज के ऊपर वीडियो बनाई है, तो अब टाइम आ गया है कुछ बजट में पेच करने का। तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं व्हाइट एंड ब्लू विस्की। ये एक इंडियन विस्की है और काफी ज्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि बजट विस्कीज के ऊपर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि काफी ज्यादा लोग इसी प्राइस रेंज में ज्यादा विस्कीज पीते हैं, जैसे कि ऑल सीजन हो गई, व्हाइट एंड ब्लू होगी, रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज, इसी प्राइस ब्रैकेट में बहुत ज्यादा लोग इन विस्कीज को पीना पसंद करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि व्हाइट एंड ब्लू पीने में कैसी है, क्या इसका नोज है, क्या इसका टेस्ट है, और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, क्या ये अपने कंपटीशन में जैसे कि ऑल सीजन हो गई, रॉयल स्टैग हो गई, रॉयल चैलेंज होगी, उनको कंपटीशन देती है, क्या ये पीने में अच्छी है, यही सारी चीजों के मैं आंसर दूंगा इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। तो दोस्तों, व्हाइट एंड ब्लू एक इंडियन विस्की है। बॉक्स देखने में काफी सिंपल सोबर है, व्हाइट और ब्लू कलर में आता है, जैसे कि इसका नाम सुजेस्ट करता है, व्हाइट एंड ब्लू। तो दिखने में भी बॉक्स वैसा ही लगता है। ये ब्लेंड है इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स, इंडियन मॉल्ट स्पिरिट्स और स्कॉच मॉल्ट्स का। एक चीज मैं देख रहा हूं कि 2018 में इसने एक गोल्ड अवार्ड भी जीता है, जो कि एक काफी बढ़िया बात है कि इंडियन विस्कीज इतने मुकाम पे पहुंच रही हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे उनको अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। ब्लेंडेड विस्की है, बजट विस्की है, आपको नियर अबाउट ये 500 550 600 की रेंज में मार्केट में मिल जाएगी। ये कंपीट करती है ऑल सीजन विस्कीज के साथ, उसके बाद रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टैग, जितनी भी इस कैटेगरी की विस्कीज आती है उनके साथ ये कंपीट करती है। चलिए इसकी बॉटल बाहर निकालता हूं और दिखाता हूं कि बॉटल देखने में कैसी है और इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। दोस्तों, ये है बॉटल व्हाइट एंड ब्लू विस्की की। बॉटल देखने में अच्छी है, दोनों साइड्स पे व्हाइट एंड ब्लू काफी अच्छे से एम्बोस किया गया है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, हैवी ग्लास का यूज किया गया है। By the way, 750 ml की बॉटल है और इसमें जो हमें अल्कोहल मिलती है ये 42.8% मिलती है। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। डीमिनरलाइज्ड वाटर, ग्रेन एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, इंडियन मैच्योर्ड मॉल्ट, इंपोर्टेड ब्लेंडेड मॉल्ट, इसमें आर्टिफिशियल कलरिंग और फ्लेवरिंग्स दोनों का यूज किया गया है। बजट विस्की है तो चलिए जायज है, इस प्राइस ब्रैकेट में जनरली कंपनीज इन चीजों को यूज करती है। तो अब टाइम आ गया है इसको नोज और टेस्ट करने का। गाइस, जो इसका कलर है ये गोल्डन कलर है और काफी बढ़िया एक डीप वार्म कलर लग रहा है ये। चलिए करते हैं इसको नोज। चीयर्स टू एवरीवन। सरप्राइजिंगली वो अल्कोहल का विफ इसमें नहीं है, 42.8% अल्कोहल स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी वो पंच इसमें नहीं मिल रहा। हल्का हल्का कॉपर तांबा जैसे होता है वैसे वैसे नोट्स मुझे इसमें से आ रहे हैं, हल्का हल्का वुडी नोट आ रहा है और बैक एंड के ऊपर एक हल्का सा अल्कोहल का विफ भी आ रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत बढ़िया इसकी नोजिंग है, लेकिन अपने प्राइस ब्रैकेट को जज कर रही है, इतनी भी बुरी नहीं है। चलिए करते हैं इसको टेस्ट। चीयर्स। भाई, नीर पीने में हल्का सा बर्न इसने दिया है। जी हां, वो अल्कोहल का इफेक्ट मेरी टंग, मेरे माउथ में वो इफेक्ट मुझे पता चल रहा है, लेकिन इसमें हल्का सा टेस्ट भी आ रहा है। ओकीनेस का, ओक का फ्लेवर काफी अच्छे से मुझे मिल रहा है। दोस्तों, अगर इसके प्रॉपर टेस्ट जानने हैं तो इसको हल्का सा डाइल्यूट करना पड़ेगा, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी विस्कीज में कुछ ना कुछ जरूर ऐड किया कीजिए, चाहे पानी चाहे सोडा। ये चीजें, ये वाली विस्कीज नीट पीने के लिए नहीं बनी। तो चलिए हल्का सा पानी इसमें ऐड किया हमने, एक बार फिर से इसको टेस्ट करते हैं। चीयर्स। जी हाँ, पानी मिलाने के बाद वो जो अल्कोहल का बर्न, वो जो विफ आ रहा था ना, वो काफी ज्यादा सेटल डाउन हो गया है। हल्का सा अब वुडी नोट आ रहा है और उसके अलावा ज्यादा मुझे नोट्स और टेस्ट इसमें से नहीं मिल रहे। पीने में हल्का सा वार्म इफेक्ट भी ये दे रही है।
दोस्तों मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस प्राइस में ये आ रही है बहुत ज्यादा चीजें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये सिंगल मोल्ड जैसा या फिर स्कॉच जैसा टेस्ट करे, क्योंकि भाई पैसे भी उतने ही स्पेंड किए हैं तो मजा भी उतना ही आएगा। मैं ये कहता हूं कि अपने प्राइस में ये ठीक विस्की है, काम चला देगी आपका। अगर आपका मन है इसको पीने के लिए तो ठीक है, आपकी इवनिंग अच्छी स्पेंड हो जाएगी। मेरी तरफ से 500, 550, 600 तक ये वैल्यू फॉर मनी है। उससे ज्यादा अगर आपको इस पे स्पेंड करने पड़े तो भाई फिर ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, लेकिन 500 से लेके 600 तक ये पीने के लिए अच्छी विस्की है। तो ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन, चीयर्स, पियो जियो।